हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन आई वेलकम यू। माय नेम इज सिद्धार्थ भाटिया एंड वी आर स्टडिंग जेनेटिक्स। हम जेनेटिक्स की पढ़ाई कर रहे थे क्लास 12 बायोलॉजी में। आज हमारा टॉपिक है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। आज हम मेंडल को चैलेंज करने वाले हैं। हमारे पास जो रेशियो आएगा वो बहुत अलग आने वाला है। आज हमारे पास वेरिएशन देखेंगे हम मेंडल्स में। मेंडल का जो वेरिएशन, मेंडल्स ने जो नियम दिए थे उससे हम बिल्कुल हट करके चलेंगे। तो आज के हमारा टॉपिक है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इसमें इनकम्प्लीट डोमिनेंस में जो डोमिनेंट कैरेक्टर है वो अपने आप को पूरी तरीके से शो नहीं कर पाएगा और जो रेसेसिव कैरेक्टर है वो थोड़ा बहुत अपने आप को शो करेगा। मेंडल ने बताया था हमें कि जो डोमिनेंट है वो पूरे तरीके से अपने आप को शो करेगा और जो रेसेसिव है वो अपने आप को शो करेगा ही नहीं। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में हम लोग देखेंगे कि जो डोमिनेंट है वो पूरे तरीके से डोमिनेंट नहीं कर पा रहा है और जो रेसेसिव है वो थोड़ा बहुत कर पा रहा है। इसमें आज हम अभी दो एग्जांपल ले रहे हैं, मैं इसकी दो वीडियो बनाऊंगा। ये पार्ट वन है, आप पार्ट टू मिस मत करना, बहुत इंटरेस्टिंग है पार्ट टू। तो इसमें जो हम सबसे पहले एग्जांपल ले रहे हैं वो ले रहे हैं मिराबिलिस जाल्पा का, जिसको कॉमनली बोलते हैं 4 o'clock प्लांट। इसमें जो हम एग्जांपल ले रहे हैं वो ले रहे हैं मिराबिलिस जाल्पा का, ये हमारा 4 o'clock प्लांट है। और एक और है एंटीरिनम। एंटीरिनम को हम लोग बोलते हैं या तो डॉग फ्लावर के नाम से जानते हैं या स्नैप ड्रैगन के नाम से जानते हैं। इनके जो फ्लावर्स होते हैं वो रेड कलर के होते हैं और व्हाइट कलर के होते हैं। तो ये जो कैपिटल में मैंने लिखा है ये रेड कलर का है, स्मॉल में जो मैंने लिखा है ये व्हाइट कलर का है। ये डोमिनेंट है, ये रेसेसिव है। जब मैंने इनके एलील्स बनाए, जब मैंने इनके गैमेट्स बनाए तो कैपिटल आर आर से मुझे मिला कैपिटल आर, कैपिटल आर, स्मॉल आर आर से मुझे मिला स्मॉल आर, स्मॉल आर। जब मैंने F1 जनरेशन में इनका क्रॉस कराया, कैपिटल आर इधर लिख दिया, ये मेल और ये फीमेल। तो जो चारों, ये स्मॉल आर कैपिटल आर से मिलेगा तो बनेगा कैपिटल आर स्मॉल आर। ये चारों के चारों जो मुझे मिलेंगे वो चारों के चारों जो मुझे मिलेंगे वो पिंक कलर के मिलेंगे। इस बार रेड वाला अपने आप को शो नहीं करेगा, इस बार रेड वाला अपने आप को शो नहीं करेगा और जो व्हाइट वाला है वो थोड़ा बहुत एक्सप्रेस करेगा। ये भी पिंक है तो ये भी पिंक, ये भी कैपिटल आर आर वाले सारे के सारे कैसे पिंक है। तो मुझे जो रेशो मिला वो है मेरा 4:0, जो रेशो मिला वो है 4:0। अब इन्हीं में मैं सेल्फिंग कराऊंगा, F2 में सेल्फिंग कराते हैं F1 के रिजल्ट का। तो ये कैपिटल आर आर और कैपिटल आर आर आपस में क्रॉस करेंगे, ओके, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर। F1 का जो रिजल्ट है उससे मैं F2 पे जाऊंगा और उससे बोलते हैं सेल्फिंग कराना। क्या बोलते हैं उसे? सेल्फिंग कराना। तो कैपिटल आर, ये कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल आर बना। ये कौन सा फ्लावर होगा? रेड कलर का फ्लावर। कैपिटल आर स्मॉल आर से क्रॉस करेगा तो बनेगा कैपिटल आर स्मॉल आर और ये पिंक कलर का फ्लावर होगा। इसी तरीके से मुझे यहाँ पे दो तो पिंक कलर के फ्लावर मिलेंगे, एक मुझे व्हाइट कलर का फ्लावर मिलेगा, एक मुझे रेड कलर का फ्लावर मिलेगा। तो मेरा फिनोटाइप रेशियो भी आया 1:2:1 और मेरा जीनोटाइप रेशियो भी आया 1:2:1। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस में हम ये देखते हैं कि जो डोमिनेंट है दैट इज नॉट एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ कंप्लीटली और जो रेसेसिव है वो अपने कैरेक्टर को थोड़ा सा शो करता है। तो रेड और व्हाइट से फ्लावर बनना चाहिए था रेड, बट बना है पिंक। अब मैं अभी भी बोल रहा हूं पार्ट टू जरूर देखना आप लोग, पार्ट टू में आपको मैं बहुत स्पेशल चीज पढ़ाने वाला हूं। थैंक यू।